दोस्तों एक बहुत ही फनी फैक्ट, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे से उसे कमरे में एंटर किए हो और आप ये भूल गए हो कि किस लिए इस कमरे में आए थे। अक्सर ऐसा हो जाता है डेली लाइफ में, मेरे साथ तो अक्सर कई बार हो जाता है, लेकिन क्या आपके साथ कभी ये घटना हुई है कि आप वन रूम टू अनदर रूम एंटर किए हो और आप ये बिल्कुल भूल गए हो कि किस लिए आया था मैं। और अक्सर हमारा इस बात पर मजाक भी उड़ाया जाता है कि चीजें भूल जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को हो जाती है। ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, बस एक कॉमन सी प्रॉब्लम है मेडिकल की। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गैब्रियल रैडवेंस्की। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ब्रेन हमारा कंपार्टमेंटलाइज कर लेता है उस इवेंट्स को जो हम पीछे करके आए होते हैं और उस इवेंट को जो हम आगे करने जा रहे होते हैं। तो जैसे ही हम पीछे के इवेंट को छोड़ करके पिछले कमरे से या पिछले इन्वायरमेंट से नेक्स्ट कमरे में या नेक्स्ट इन्वायरमेंट में मूव करते हैं, तो हम बैक की सारी चीज़ें हमें करंटली तो याद होती हैं, लेकिन हम आगे आए किस लिए थे वो ब्रेन हमारा असेस नहीं कर पाता, उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता है। और इस बीमारी को, खैर बीमारी तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको एक नाम दिया गया मेडिकल टर्म में, जिसका नाम है बाउंड्री इवेंट, इवेंट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। और इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो इसको मेमोरी गैप भी बोलते हैं, जो एट अ सडन क्रिएट होता है। ये कोई मेडिकल या मेमोरी का डिसऑर्डर नहीं है, ये बस एक मेमोरी गैप है। हमें क्या होता है कि हम जो चीज़ कर रहे होते हैं पीछे, वो हमें पूरी याद रह जाती है, ब्रेन मेमोराइज कर लेता है उसको, बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। तो जब हम कोई नेक्स्ट फंक्शन करने के लिए किसी नए इन्वायरमेंट में, किसी नए रूम में एंटर करते हैं, तो वो चीज़ ब्रेन एसेस नहीं कर पाता और हमें ये लगता है कि हम भूल चुके हैं। गाइज ये चीज़ अक्सर हो जाती है और बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो और आप ये बात नहीं जानते रहे हो, तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही फनी फैक्ट्स और ऑसम फैक्ट्स के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय।